हाउ आर यू स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने वीडियो में आपको पढ़ाया था सोशियोलॉजी में भारतीय समाज के संरचनात्मक सांस्कृतिक पहलू एवं विविधता की चुनौतियाँ। चैप्टर चूँकि बड़ा है तो अब मैं चैप्टर वन का ही जो है धार्मिक और सांस्कृतिक जो पॉइंट है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को भारतीय समाज के सांस्कृतिक पहलू बताऊंगा, समझाऊंगा और आप लोग ध्यान देंगे। जिसमें सांस्कृतिक पहलू अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आता है धर्म, ठीक है। धर्म भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता उसकी सांस्कृतिक विविधता रही है। भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, भाषा के लोग निवास करते हैं। हिंदू धर्म मीन्स सनातन धर्म को मानने वाले लोग यहाँ बहुसंख्यक हैं एंड मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख आदि अल्पसंख्यक हैं। ये संख्या में कम है क्योंकि सन 1957 में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के शिक्षा विधेयक के संदर्भ में अल्पसंख्यक समूह उस समूह को माना जिसकी संख्या राज्य में 50% से कम हो। भारतीय समाज में एकल या नाभिकीय परिवारों की स्थिति एवं संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर अग्रसरता पर भी संक्षेप चर्चा हम आगे करेंगे। संयुक्त परिवार से एकल परिवार में जो अब परिवार बट रहे हैं उसके बारे में, विवाह जिसमें हम पढ़ेंगे नंबर फर्स्ट विवाह। विवाह परिवार की आधारशिला है। विवाह के माध्यम से ही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। बच्चों मैंने बताया था ना आप लोग आश्रम चार होते हैं, नंबर फर्स्ट ब्रह्मचर्य, नंबर सेकंड गृहस्थ, नंबर थर्ड वानप्रस्थ और नंबर फोर्थ संन्यास आश्रम। तो अभी हम बात कर रहे हैं गृहस्थ आश्रम की। तो संतानोत्पत्ति एवं बालकों का पालन पोषण करना तथा उन्हें समाज का उपयोगी सदस्य बनाना होता है। भारतीय समाज एवं संस्कृति को भारतीय विवाह ने विश्व में अनूठी संस्कृति बनाया है, क्योंकि कहीं और हमारे जैसी जो व्यवस्था है विवाह की वैसी किसी भी और कंट्रीज में नहीं मिलेगी आप लोगों को। सात जन्मों के सात जन्मांतर के बंधन की अवधारणा ने विवाह को एक संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की है। मनु ने कहा है कि जैसे सब प्राणी प्राणवायु के सहारे जीवित रहते हैं वैसे ही संपूर्ण समाज गृहस्थ आश्रम से जीवन प्राप्त करता है। विवाह के माध्यम से ही व्यक्ति चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो है उनकी पूर्ति करता है। विवाह भारतीय मतलब एक धार्मिक संस्कार के रूप में जीवन को स्थायित्व प्रदान करता है। शतपथ ब्राह्मण ने कहा कि पत्नी निश्चित रूप से पति का अर्धांश है। अर्धांश आप लोगों ने जो शिव जी की प्रतिमा देखी हो तो उसमें देख लीजिए कहीं कहीं आपको पार्वती जी और शिव जी एक मूर्ति में आधे आधे दिखेंगे, इट मीन्स अर्धांगनी। पार्वती जी शिव जी की अर्धांगनी हैं, आधा अंग हैं। तो कुछ इसी प्रकार से यहाँ दे रखा है। अतः जब तक पुरुष पत्नी प्राप्त नहीं करता एवं संतान उत्पत्ति नहीं करता तब तक वह पूर्ण नहीं होता है। भारतीय समाज व संस्कृति में विवाह प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक आवश्यक संस्कार माना गया है। इसलिए वेद आदेश देते हैं कि पुरुष को अपनी पत्नी के साथ ही धार्मिक कार्य संपन्न करने चाहिए। आप लोग देखिए कि यज्ञ की पूर्ति कभी स्त्री के बिना नहीं हो पाती है। तो यज्ञ अगर करना है तो स्त्री होने आवश्यक है, इट मीन्स विवाह होना आवश्यक है। विवाह के अंतर्गत वे सभी समारोह एवं कर्मकांड सम्मिलित होते हैं जिनके माध्यम से लड़का लड़की समाज द्वारा स्वीकृत पति पत्नी के संबंधों में बंधते हैं और एक दूसरे के प्रति कुछ कर्तव्य एवं अधिकारों को निभाते हैं। मेघातिथि के अनुसार विवाह कन्या को पत्नी बनाने के लिए एक निश्चित क्रम से की जाने वाली अनेक विधियों से संपन्न होने वाला पाणी ग्रहण संस्कार है, जिसकी अंतिम विधि सप्तऋषि दर्शन है। इस प्रकार समाज
द्वारा स्वीकृति विधि प्रदान के माध्यम से पति पत्नी के संबंधों में बंधने को ही विवाह कहा जाता है। भारतीय समाज में धर्म तथा प्रजा का माध्यम है विवाह। हिंदू विवाह अधिनियम के द्वारा भी एक विवाह को ही स्वीकृति दी गई है। भारतीय समाज में व्यक्ति के लिए 5 प्रकार के ऋणों की परिकल्पना की गई है, जिसमें उसको उऋण होना ही व्यक्ति का लक्ष्य होता है। ये 5 ऋण हैं, देव, ऋषि, पितृ, अतिथि और भूत ऋण, जिनके उऋण मतलब ऋण से मुक्त होना, उऋण मीन्स ऋण से मुक्त होना होने के लिए परिवार का निर्माण करना एक आवश्यक शर्त है, जो कि विवाह के द्वारा ही संभव है। इसी के माध्यम से व्यक्ति 4 पुरुषार्थ हो, कौन कौन से पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की पूर्ति करता है। धर्म के बिना संस्कृति की कल्पना कठिन है तथा विवाह के बिना भारतीय समाज में धर्मानुसार आचरण संभव ही नहीं है। कालिदास के कुमार संभव में उल्लेख किया गया है कि कामदेव को जीतने वाले शिव जी ने जब सप्तऋषि और अरुंधति को अपने सामने देखा तो अरुंधति से विवाह की उनकी इच्छा हुई। कारण कि धर्म संबंधी कार्यों को संपादित करने के लिए पतिव्रता स्त्री की आवश्यकता होती है। पत्नी को धार्मिक कार्यों में इसी महत्ता के कारण धर्म पत्नी, आप लोगों ने सुना होगा धर्म पत्नी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में यज्ञों का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कर्तव्यों के रूप में समाज में विद्यमान रहे हैं तो इन यज्ञों के संपादन हेतु पत्नी का होना अनिवार्य होता है। 5 महायज्ञों की अवधारणा भारतीय संस्कृति में रही है, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ। पत्नी के अभाव में अविवाहित व्यक्ति ये यज्ञ नहीं कर सकता। भारत में 7वीं शताब्दी में इस्लाम का आगमन हुआ। भारत में 7वीं शताब्दी में इस्लाम का आगमन हुआ और इस्लाम भारत वर्तमान में भारत का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन गया। इस्लाम में विवाह को निकाह कहते हैं। मुस्लिम कानून के अनुसार विवाह एक सामाजिक या बिना शर्त का दीवानी समझौता है, जिसका उद्देश्य घर बसाना, संतान उत्पत्ति और उन्हें वैधता प्रदान करना है। मुस्लिम विवाह के 4 प्रमुख प्रकार हैं, आप लोग ध्यान से सुने। निकाह, मुताह, फासिद और बातिल। इनमें से निकाह को सही विवाह कहा जाता है। तो बच्चों, आज मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया समझाया उससे संबंधित मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, आप लोग राइट डाउन कर लें। हाँ तो बच्चों, मैंने आप लोगों को ये 5 क्वेश्चन दिए हैं। नंबर 1 है, भारतीय समाज में धर्म का क्या अर्थ है, सामाजिक जीवन के लिए विवाह क्यों जरूरी है, एंड 4 पुरुषार्थों के नाम बताइए। वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों को सब कुछ सामने आ जाएगा। आपके 5 ऋण कौन कौन से हैं, मुस्लिम विवाह के प्रमुख प्रकार बताइए। ये 5 क्वेश्चन दिए हैं मैंने आप लोगों को, राइट डाउन करना है आप लोगों को कॉपी में, एंड कॉपी को फिर आपको जमा करवाना है, देन आफ्टर आपको इसके बाद का जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।